ये चुड़ैल मुझे क्यों फोन कर रही है? पता नहीं कब पीछा छोड़ेगी मेरा और मेरे बेटे का। हेलो, बोलो क्या काम है? आंटी जी नमस्ते, मैं शर्लिन बोल रही हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है कौन हो तुम। मैंने पूछा काम क्या है। आंटी जी, ये जान के बहुत खुशी हुई कि आपके पास मेरा नंबर सेव्ड है। आंटी जी, हाँ, मैंने जानबूझकर तुम्हारा ये नंबर सेव किया हुआ है ताकि गलती से भी ना तुम्हारा फोन ना उठाऊं। लेकिन आज मैंने ये फोन इसलिए उठाया है ताकि तुम्हें ये बता सकूं कि मेरे बेटे की शादी हो रही है और उसने बहुत सही और बहुत अच्छी लड़की चुनी है। इसलिए तुम उसका पीछा छोड़ो और मुझे दोबारा फोन मत करना, वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। चुप कर, कितना बोले जा रही है, एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं रहती है। बुढ़िया, आज भी तुझे प्यार हजम नहीं होता ना। अब शर्लिन स्टाइल में सुन, जो मैं बोल रही हूँ कान खोल कर सुन, और अब तू वैसा ही करेगी जैसा मैं कहूंगी, समझी तू? ओ बस करो, तुमको क्या लगता है कि जो तुम बोलोगी वही मैं करूंगी? तो अब मेरी बात सुन, समझी? आज का दिन ना तुम्हारे लिए बहुत लकी हो सकता है क्योंकि मेरे बेटे की शादी है और बहुत अच्छी लड़की प्रीता से हो रही है और मैं इतनी खुश हूं ना कि अगर तुम मेरे बेटे की शादी पे नाचने आओगी ना तो जो पैसा मैं मेरी बहू पे वारूंगी ना वही पैसा मैं तुमको दे दूंगी। और जितना पैसा लेके जाना है ना ले जाओ, लेकिन मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो क्योंकि तुम उसके काबिल नहीं हो। और उसके काबिल जो है ना उससे उसकी शादी हो रही। मुझे प्रीता जैसी बहू चाहिए थी और मुझे मिल रही है। इतनी सुंदर, इतनी सुशील, इतनी प्यारी, तुम्हारी जैसी क्रिमिनल नहीं। Shut up! मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, सुना तुमने? और मैं जैसी भी हूँ पृथ्वी की हूँ। और पृथ्वी जैसा भी है सिर्फ मेरा है। तुम जल्दी से जाओ और जाके ये शादी रोक दो, जाओ। शादीशुदा होके तुम ऐसी बातें करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं आती शर्म, बहुत बेशरम हूँ मैं। आ गया समझ में? अब कान खोल कर सुन, मैं पृथ्वी से बहुत प्यार करती हूँ और ये शादी रोकने के लिए मैं आ रही हूँ। और पृथ्वी की शादी रोकने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, समझी तू? तुमको जो करना है ना तुम कर लो। ये शादी ना मैं रोकूंगी और ना तुम्हें रोकने दूंगी, समझी? देख, मैं तुझे अभी भी समझा रही हूँ, जाकर शादी रोक दे। अगर मैं मंडप पर पहुँच गई ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरी बात सुन, जाकर शादी रोक दे। तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, तुमको क्या लगता है कि मैं वो सरला जी या राखी जी हूँ जो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कितनी गिरी हुई और कितनी नीच औरत हो तुम। हाँ, मैं घटिया लड़की हूँ और यही घटिया लड़की तुझे 5 सेकंड दे रही है। 5 सेकंड में अपना मन बना ले कि तू मेरा साथ देगी कि नहीं देगी ये शादी रोकने में। नहीं देगी ना तो भी चलेगा, क्योंकि शर्लिन 100 के बराबर है। 1, 2, बस कर। मेरे पास ना तुम्हारे लिए 1 सेकंड भी फालतू का नहीं। और मैं अभी बता रही हूँ कि मैं ये शादी नहीं रोकूंगी और ना ही तुम्हें रोकने दूंगी, समझी? मैं इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। पृथ्वी, अगर तुम मेरा फोन उठा लेते तो वो सब नहीं होता जो होने वाला है, और अब जो होने वाला है बहुत ही भयंकर होने वाला है और उसके जिम्मेदार तुम होगे, सिर्फ तुम। अरे चलो ना। क्या कर रही हो यार, शादी वहां चल रही है तो मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो? क्योंकि मुझे उनसे बात करनी है, इसलिए। क्या बात करनी है? राखी आंटी के बारे में। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा कि राखी आंटी यहाँ पर आए और उन्होंने दी को आशीर्वाद दिया और फिर चली भी गई। I mean, दी के साथ साथ उनका आशीर्वाद उस भागड़ बिल्ले को भी मिल गया, बट हु केयर्स? यू मीन दूल्हा और दुल्हन को, है ना? जो बिल्ला मुझे देखा हुआ अच्छा नहीं लगता उसे तो मैं दूल्हा कभी ना मानूं। बात करते हो यार तुम भी। जब तुम्हें पता चलेगा ना दूल्हा कौन है तुम्हें वो देखा हुआ भी अच्छा लगेगा और देखा हुआ भी। मेरा मतलब है धीरे धीरे तो इंसान इंसान को पहचानता है ना। अब तुम अपने जीजा जी को जानोगी, पहचानोगी, फिर तुम्हें अच्छे लगने लग जाएंगे। सिंपल। तुम ठीक तो हो ना यहाँ से? पागल हो गया, कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों,
तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ? नहीं सृष्टि, मैं तुमसे कैसे कुछ छुपा सकता हूँ? मैं कुछ नहीं छुपा रहा। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या छुपाऊंगा? दुल्हा कैसे हो इंस्पेक्टर? आप कुछ भी बोले जा रहे हो यार। माँ, वो कोई मामूली सा हार नहीं था, लूथरा परिवार का खानदानी हार है जो मेरी माँ जैसी सास ने मुझे गिफ्ट किया था। और ये प्रीता अरोड़ा, इसने वो हार चुरा लिया है। लूथरा हाउस में घुस के इसने हार चुरा लिया है। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने कल रात को प्रीता को देखा था लूथरा हाउस से निकलते हुए। आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। माफ कीजिएगा, हमें इस वक्त ये शादी रोकनी पड़ रही है, पर हम क्या करें, हमें अपनी ड्यूटी भी करनी है, हमें इन्हें गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब एक मिनट, आप पहले मेरी बात। मेरी बेटी चोरी कर ही नहीं सकती, वो बहुत अच्छी लड़की है, उसने कोई हार वार नहीं चुना। ये लड़की झूठ बोल रही है। आप ऐसे सोचिए कि अगर आपकी बेटी होती, उसकी शादी होने वाली होती, वो मंडप पे ऐसे बैठती, उसमें कोई इल्जाम लगाता तो आप क्या करते? मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, उसने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। मैं एक माँ हूँ, मैंने कितने अरमानों से अपनी बच्ची की शादी की तैयारी की। मैं अपनी बच्ची को जानती हूँ, वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती। ये लड़की ये झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर साहब। आपको मुझे देखकर या मेरी बच्ची को देखकर लगता है कि मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती? आप प्लीज ऐसा मत करें। वो दुल्हन है, दुल्हन के जोड़े में बैठी है। ठीक है, हम इन्हें पुलिस स्टेशन लेके नहीं जाएंगे। अगर आपकी बेटी ने चोरी नहीं की है तो आप शादी शौक से करा सकती है, मगर इससे पहले हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। अगर हमें घर में चोरी का हार नहीं मिलता तो आप इस शादी को कंटिन्यू करा सकती है। क्या हुआ? साफ क्यों सो गया? शौक क्यों दिख रहा है तुम लोगों के चेहरे पे? अरे घर की तलाशी ही तो लेनी है, अगर हार नहीं मिला ना तो अपनी बेटी की शादी शौक से करना। अगर हार नहीं मिला तो मैं हाथ जोड़ के तुम लोगों से माफी मांग लूं, पर ऐसी नौबत आएगी नहीं, चोर की चोरी पकड़ी जाएगी। इंस्पेक्टर सर, आपको जहां तलाशी लेनी है आप लीजिए। इनफैक्ट आप यहाँ भी कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल में भी तलाशी ले सकते हैं। जो चीज मैंने चुराई नहीं वो मेरे पास कहाँ से मिलेगी? लेकिन आप प्लीज देखिए, तलाशी यहाँ से नहीं, आपके घर से शुरू होगी। ठीक, अब चलिए मैं आपको घर ले चलती हूँ। पृथ्वी जी, आप जानते हैं ना कि मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। आपको मुझ पर विश्वास है ना? ये मैं क्या करने जा रहा था? जिसने हमारा सहारा छीन लिया उसी को सहारा देने जा रहा हूं। नो फेस। कहा था मैंने ये शादी मैं रोक दूंगी, रोक दी मैंने शादी। ये शादी रुकी है, टूटी नहीं, समझी? जो शादी रुकी है टूट भी जाएगी। जस्ट वेट एंड वॉच।
सर बुला रहे हैं। आपको जो करना है करो, आपको ये शादी करनी है आप करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन प्लीज ये पुराने जमाने की लड़कियों की तरह आंखों पे पट्टी बांध के शादी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सवाल करने ही है ना, तो आप हमसे नहीं उस पृथ्वी से जाके कीजिए। दी मैं बस ये चाहती हूँ कि आप चीजें क्लियर करो, उसके बाद आपको जो सही लगता है ना वो करो। आपको लगता है कि आपको ये शादी करनी है तो करो, मैं मना नहीं करूंगी। ठीक है, मैं पृथ्वी जी से जाकर खुद ही बात करती हूँ। पृथ्वी अंदर क्यों चला गया? अब अगर उसके पीछे पीछे मैं भी अंदर गई उस मिडिल क्लास प्रीता के रूम में, तो सबको शक हो जाएगा, हजार सवाल करेंगे कि मैं दूल्हे के पीछे क्यों पड़ी हूँ। पृथ्वी प्लीज बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। इतना बड़ा इल्जाम लगा है इसने मेरी बेटी, फिर भी आप मेरी बच्ची के साथ खड़ी। सच कहती हूँ, दिल को तसल्ली हो रही है देखकर कि आप उसके साथ हैं। क्या बात कर रहे हैं सरला बहन जी, मैं जितना प्रीता को जानती हूँ ना, उतना मैं इस लड़की को भी जानती हूँ। कितना बड़ा इल्जाम लगाया है इसने हमारी प्रीता पर। आप शलिन को जानती हैं? मेरा कहने का मतलब है, जितना आप इस लड़की को जानते हैं ना, उतना मैं भी जानती हूँ। कितने फंक्शंस पे दिखा है, उसकी हरकतें देखी हैं, इतना तो मैं भी जान गई हूँ कि वो अच्छी लड़की नहीं है और हमारी खुशियां बर्बाद करना चाहती है। नफरत करती है मेरी प्रीता से, इसीलिए ये सब कर रही है। मेरी प्रीता कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। ये तो दिख ही रहा है कि ये प्रीता से कितनी नफरत करती है, क्योंकि वो मेरे बेटे से पागलों वाला प्यार करती है। अगर वो हमारा पीछा छोड़ दे तो हम सबकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाए, लेकिन वो इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं है। अभी पूरे घर की तलाशी लेनी है, जल्दी करो, सिर्फ एक केस नहीं हमारे पास, और भी केसेस हैं, फास्ट। इंस्पेक्टर साहब, एक सेकंड, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप समय बर्बाद कर रहे हैं। हमारे घर में आपको कुछ नहीं मिलेगा, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, मेरी बच्ची ने चोरी नहीं की। हमारा जहाँ इतना टाइम वेस्ट हुआ है, थोड़ा और सही, लेकिन अपनी ड्यूटी करके जाएंगे हम। बोलो इसे। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं है। अरे ये, अरे फ्यूचर मदर ना, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तू पहले ये बता, तू यहाँ पर करने क्या आई है? इस उम्र में इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था ना, इनफैक्ट मैंने आपको वार्न किया था कि मैं ये शादी रोकना चाहती हूँ, मुझे कंपनी दो। लेकिन नहीं, आपने मुझे क्या कहा? चुड़ैल। तो अब इस चुड़ैल का चुड़ैल बना देख लो। यू नो वॉट, आई हेट यू। मम्मी जी, अगर आप मुझसे प्यार करते ना तो ये सब नहीं होता। अरे इतना गुस्सा, इतना दुख। मैं जानती हूं आप प्रीता को अपने घर की बहू बनाने के लिए मरे जा रहे हो। आप तो मेरे बेबी की मम्मी हो ना, तो मैं आपके गुड बुक्स में आना चाहती हूँ। मैं सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हूँ। वो क्या है ना मम्मी जी, मुझे ना बहुत गुस्सा आ गया था, और आप तो जानती हो जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं कुछ भी कर बैठती हूँ। आई एम सॉरी, मैं ये कंप्लेन वापस लेने के लिए रेडी हूँ। सारा ब्लेम खुद के सर पर ले लूंगी, कहूंगी मुझसे गलती हो गया, चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। ये अपनी शर्त वर्त ना अपने पास रख, तू पागल हो गई है, पागल है मम्मी जी, काम करो। मैंने अभी अभी आपसे कहा कि मैं कंप्लेन वापस ले लूंगी, चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि पृथ्वी भी प्रीता से शादी करना चाहता है, और आप भी प्रीता को अपने घर की बहू बनाना चाहती हो, तो आप दोनों की इच्छा पूरी कर देती हूँ, कुर्बानी दे देती हूँ। पर आपको भी एक कुर्बानी देनी होगी। मुझे पता है तुझे पैसा चाहिए ना,
अरे कितनी लालची और कितनी गिरी हुई हो तुम। इतने बड़े घर में शादी हुई है फिर भी तुम्हें पैसा चाहिए। हाँ यू सो फनी। जितने पैसे आप मुझे दोगे ना उससे ज्यादा पैसे मैं आप पे वार की गरीबों में बांट दूंगी। पैसे नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो आपकी एक छोटी सी सॉरी चाहिए। चुड़ैल कहा था ना आपने मुझे, सॉरी बोल दीजिए, मैं आपको माफ कर दूंगी और यहां से चुपचाप चली जाऊंगी। बोलिए। अरे बोलिए ना। डॉक्टर ने डैड की दवाइयां चेंज की थी तो आपने उनको नई वाली दवाइयां ही दी है ना? सर मैं करीना मैम से मिली थी तो उन्होंने मुझे बताया कि सर की दवाइयां चेंज हो गई हैं। शर्लिन मैम सर को दवाइयां देने गई हैं, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो शर्लिन मैम नहीं थी और ना ही न्यू वाली मेडिसिंस। दवाइयां नहीं थी? ठीक है मैं देखता हूँ। शरीन फोन क्यों नहीं उठा रही, कहाँ गई है? क्या लगता है तुम्हें, प्रीता ने चोरी की है, हार चुराया है? प्रीता चोर तो नहीं लगती है पर बिना चिंगार के धुआं तो उठता है नहीं। कई बार ऐसे होता है बहुत सालों जिसे हम जानते हैं किसी ना एक दिन उसकी नीयत तो बदल ही जाती है। पर दिखती तो सीधी सादी है वो, अब किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा है कि वो चोर है। निकलो निकलो यहां से, मेरे घर में खड़े रहकर मेरी दी को चोर बोल रहे हो? हम थोड़ी ना बोल रहे हैं। अच्छा आप लोग नहीं बोल रहे हो, मैं यहीं पर खड़ी हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है। सृष्टि ये तुम्हारे मेहमान है, अपने मेहमानों से कोई ऐसे थोड़ी बात करता है। मेरे मेहमानों को और मेरी बातों को मुझ पर छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शर्लिन मैडम देखिए ये लड़की मुझे धमकी दे रही है, मुझे बोल रही है मुझे छोड़ेगी नहीं, मेरी जान को खतरा, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैडम सुनिए ना मैडम, मुझे इसे बचा लीजिए मैडम मैडम। और आप लोग, अरे शर्म आती है मुझे आप लोगों को पड़ोसी कहते हुए। कितने साल से आप लोग रह रहे हो हमारे पड़ोस में, क्या आप लोग नहीं जानते कि हम लोग कैसे हैं? अरे ऐसे पड़ोसियों पे थू है थू, नहीं चाहिए ऐसे पड़ोसी। जाओ यहाँ से निकलो। ये सपना करण सर की वजह से हो रहा है, अगर वो मेरे दी के साथ इतना गंदा बर्ताव नहीं करते ना तो दी के लिए ये सब कहने की हिम्मत नहीं होती किसी की। वो जब दी के साथ थे तो उन्होंने उस बाकड़ बिल्ली की बोलती बंद कर दी थी, तो ये नाकटी डायन शर्लिन क्या चीज है? पहले कोई भी दी की बेइज्जती करता, करण सर से बर्दाश्त नहीं होता था, अब तो उन्होंने उन्होंने खुद दी की इतनी बेइज्जती कर दी। पर अब जिसे देखो दी की बेइज्जती करता जा रहा है करता जा रहा है, ये सब उन्हीं से शुरू हुआ है। मैम मैम देखिए ना, पहले वो पृथ्वी की माँ, उसने मुझ पर अटैक किया, पिता की बहन सृष्टि वो मुझे धमकी दे रही है, वो भी आप लोगों के सामने। प्लीज आप उन दोनों को अरेस्ट कर लीजिए प्लीज। मैडम प्लीज आप शांत हो जाइए, पहले हमें नेकलेस की छानबीन कर लेने दीजिए। अब ये ऋषभ मुझे बार बार फोन क्यों कर रहा है? मेडिसिन और सलाइन जैसी फालतू चीजों के लिए तो फोन मुझे मत ही करना। हाँ अगर तुम्हारा बाप मर जाए तभी मुझे फोन करना, तो आपके नकली आंसू रो दूंगी, लेकिन ऐसे बार बार फोन करके मुझे मत रुलाओ। इतने सारे फोन कर चुका हूं अभी तक फोन क्यों नहीं उठा रही है? व्हाट्स रॉन्ग विद हर? मॉम को पूछता हूँ कि डैड को नई वाली मेडिसिन दी है नहीं। करण प्रीता से शादी कर रहा है और ये शर्लिन शादी रोकने आई है, क्या सोच के आई है? क्या लगता है इसे, ये करण को दूल्हा समझ रही है या पृथ्वी को? मुझे एक बात पूछनी थी। अपना मुंह बंद कर यहां से दफा जा। मैडम जी आप ना मेरे साथ रहिएगा, मेरे आसपास रहिएगा, वरना ना ये मेरे पर झूठा इल्जाम लगा देगी कि मैं इसे मार रही थी। झूठ बोलने की इसको बीमारी है, इसने आप लोगों को भी झूठ बोला है कि प्रीता ने चोरी की है। अरे माफ ना जाने दीजिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। चलो
नहीं आई ना तुम्हारे पास? आई की भी नहीं, चल जा यहाँ से। कोई नहीं, रब जो करता ना चंगा ही करता है। वैसे एक बात बता, तू ये शादी क्यों रोकना चाहती है? देख सच सच बताना, हाँ ये तो तू सबसे ज्यादा जिसको चाहती है ना वो तुझे नहीं मिलेगा, इसलिए सच सच बता ये शादी क्यों रोकना चाहती है? क्योंकि मैं नहीं चाहती बेटा की शादी पृथ्वी से हो। इनफैक्ट उसकी शादी किसी से भी नहीं होनी चाहिए। पूछो क्यों? क्यों? मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती हूँ। उसे जो कुछ चाहिए ना जिंदगी में उसे छीन लेना चाहती हूँ। लो बता दिया सच, जो करना है ना कर लो। इसीलिए हार की चोरी का झूठा इल्जाम प्रीता पे लगाया। जो समझना है समझ लो, मैंने सच बोलने की कसम थोड़ी खाई, अगर खाई भी होती तो तोड़ देती। आज तो कितने सच्चे दिल से कितनी सच्ची सच्ची बातें कर रही है। ऐसी सच्ची सच्ची बातें किया कर तो पूरी होकर भी ना पूरी नहीं लगेगी किसी को। मुझे जो पता करना था पता कर लिया। इस कसमों खाने को तो दूर दूर तक पता नहीं किस सहरे के पीछे कारण है। चलिए फिर आखिर की रस्में पूरी करते हैं, है ना बेटा? चलो हार मिल गया। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा ही हार है। मैंने आपसे कहा था ना मेरा हार यहाँ पर ही मिलेगा, यही मिल गया। प्लीज ऐसे बार बार मत आओ, मुझे यहाँ से निकल जाने दो। उसके बाद जितने फोन करना है ना कर लेना, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से जाना दो। सलील, मैं सोचा था कि अगर कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो कॉन्फ्रेंस कॉल पे डिस्कस कर सकते हैं क्या? कॉन्फ्रेंस कॉल? तब तो मैं क्या, बिजनेस का कोई भी कॉन्फ्रेंस कॉल आधे घंटे से पहले खत्म नहीं होता। अब क्या करूं यार, फंस गया। Salil, I need Alex also on the con call. So, आप उनको मैसेज कीजिए और उनको बोलिए कि 15 मिनट में मैं दोबारा कॉल करता हूँ। And all of us, let's connect over a conference call. Okay? Sister? पता नहीं क्या हो रहा है डैड, ये मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। डैड ये हो क्या रहा है? आप ऐसी हालत में, मॉम को ढूंढ रहा हूँ, मॉम नहीं मिल रही है, शैलिन पता नहीं कहाँ चली गई, और फिर नर्स आपको ऐसी हालत में छोड़ के चली गई। डैड
मैं ना बहुत अकेला फील कर रहा हूँ यार। मैं अकेले संभाल नहीं पा रहा हूँ डैड। ये सब कुछ डैड अकेले संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है डैड। डैड सुनो ना, आओ ना डैड। आपको पता है आप होते हो ना, सब कुछ आसान हो जाता है। आप सब कुछ संभाल लेते हो, मुझे संभाल लेते हो डैड। आप नहीं होते मैं बहुत अकेला हो जाता हूँ डैड। प्लीज लिसन नो डैड, मेरी बात सुनो ना डैड। उठो ना डैड, आप मेरी बात सुन रहे हो ना? मुझे मालूम है आप मेरी बात सुन रहे हो। आप बोलते हो ना हमेशा आई एम योर बेस्ट सन, मुझे जरूरत है आपको। प्लीज कम बैक डैड, प्लीज कम बैक फॉर मी डैड, मेरे लिए वापस आ डैड, कम ऑन डैड। बोलो ना प्लीज कुछ। डैड आई नीड यू डैड, मैं सब कुछ संभालूंगा डैड, ऐसे तो नहीं बिखरूंगा। आई स्वेयर ऑन यू डैड, मैं सब कुछ संभालूंगा, मैं आपको फील कराऊंगा। यू आर प्राउड फादर, आई लव यू डैड। Sister!